अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव में। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल रहीम। जलगांव शहर महानगर पालिका की सत्ताधारी पार्टी खानदेश विकास आघाड़ी ने अल्पसंख्यक बहुल एरियों, दलित, मुस्लिम और दबे कुचले मजदूर तबकों के मोहल्ले के साथ पूरी तरह अनदेखी और लापरवाही का मामला किया। वोट लिया और गधे के सर से सींग की तरह 5 साल गायब रहे, कभी गलियों मोहल्लों में ढांक कर नहीं देखा। बिजली के तार गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तामापुरा जैसा बड़ा मजदूर तबका, लोगों का मोहल्ला, वहां पर घरों में पानी घुस रहा, नालियां नहीं। ऐसे कई मसलों पर महानगर पालिका में बैठी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले इलेक्शन में इन वार्डों में हमारी पार्टी 14, 44 और 100 इतने कम वोटों से हारी है। लोगों ने हम पर पूरा भरोसा करके वोट दिया था और अब भी वही भरोसा लोगों का है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी से पूरी ताकत के साथ उम्मीदवार उतार रहे हैं। वार्ड नंबर 2, 5, 6, 15, 16, 4, 13, 18 इन वार्डों से हमें अच्छे उम्मीदवार मिले हैं। पहले ही दिन उम्मीदवारों की भीड़ से हम भी बड़े खुश हुए और 2 दिन मुलाकात शुरू रहेगी। दूसरे वार्ड से अब अच्छे उम्मीदवार आएंगे। लोग हमारे ऐलान का इंतजार कर रहे थे। हम विकास के मुद्दों के साथ एकता, अमन, शांति के मुद्दों को भी अपना मिशन मैनिफेस्टो बना रहे हैं, क्योंकि नफरतों के व्यापारियों ने कुर्सी हासिल करने के लिए धार्मिक जात बिरादरी के नफरत वाले मुद्दों को उल्टा कर मुल्क की कुर्सियां हासिल की। और हो सकता है कि गांव-गांव, नगर-नगर वो नफरत का कार्ड खेलेंगे। हम प्यार मोहब्बत, अमन, शांति, एकता, एकात्मता के साथ जलगांव नगरी की विकास की बात करेंगे। हमें यकीन है कि लोग जुड़ेंगे। ऐसी बातें जलगांव पत्रकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी के जिला अध्यक्ष कदावर नेता मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी ने की। पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने का संकल्प लिया और ये भी कहा कि हम सेकुलर फोर्सेस, सेकुलर पार्टियों से गठबंधन भी कर सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिक नफरतों की राजनीति करने वालों से हम विकास के नाम पर भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। हमारा मानना है कि मुल्क नफरतों से नहीं चल सकता, न बच सकता। अभी सबसे बड़ा विकास यही है कि नफरतों को खत्म करो, कत्ल खून की गंदी सियासत से कुर्सी ना हासिल करो। हमारे पास अभी मुख्तलिफ वार्ड से 21 उम्मीदवार हो चुके हैं। 2 दिन के बाद मुकम्मल तस्वीर सामने आ जाएगी। जिन लोगों को इलेक्शन लड़ने की इच्छा है, हम अपील करते हैं कि 2 दिन में वो मुलाकात कर ले। नेशनल हाईवे रिलायंस पेट्रोल पंप के बाजू पार्टी दफ्तर पर सुबह 11 बजे से मुलाकात का सिलसिला शुरू रहेगा।